उत्तर प्रदेश में जिले के नाम बदलने के बाद अब बारी आई है रेलवे स्टेशनों की। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए जाएंगे। नवरात्रि से पहले प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की तैयारी है। उत्तर रेलवे ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रतापगढ़ जंक्शन को अब माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह अंतु जंक्शन को अब माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु और वहीं बिश्नाथगंज को शनिदेव धाम बिश्नाथगंज के नाम से जाना जाएगा। बता दें, प्रतापगढ़ में जिन 3 रेलवे स्टेशनों के जो नए नाम रखे गए हैं वो प्रतापगढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम पर आधारित हैं। इन धार्मिक स्थलों पर लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं ऐसे में रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने से यहाँ के धार्मिक स्थलों को नई पहचान मिलेगी। बता दें, इसी साल अप्रैल के महीने में केंद्र सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय की ओर से इन 3 स्टेशनों के नाम बदलने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन इनका नाम बड़ा होने की वजह से इनका कोड बनाने में परेशानी आ रही थी। वहीं अब इस समस्या का भी समाधान कर लिया गया है। कोड में बदलाव के लिए गृह मंत्रालय को पत्र भेजा गया था। गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद अब इनका कोड भी बन गया है। अधिसूचना में नए कोड की भी जानकारी दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन का कोड MBDP होगा, माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु का कोड MCDA होगा, वही शनिदेव धाम बिश्नाथगंज का कोड SBTJ होगा। बता दें, कोड के बनने के बाद रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे जल्द ही कुछ और भी स्टेशनों के नाम बदल सकता है। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि जिन स्टेशनों के आसपास धार्मिक स्थल हैं, उनके नाम उन्हीं धार्मिक स्थलों के नाम पर किए जाएंगे। बता दें, कुछ समय पहले ही झांसी रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया था। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। साल 2018 में योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। इलाहाबाद का नाम बदलने के बाद ही रेलवे स्टेशनों के नाम भी बदले गए थे। जानकारी की आपको बता दें, CM बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सबसे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला था। साल 2018 में मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया था। इतना ही नहीं, मुगल सराय तहसील को पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील कर दिया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय UP उत्तराखंड।